मैं अभी होटल से अपना रेडी होकर कुछ अपने स्नैक्स लेने के बाद अपने होटल से मैं 50 मीटर दूर हूँ। बस पकड़ने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। बस नंबर है 100। अब मुझे नहीं पता कितना टिकट उसका लगेगा। ये एसजी बस हैं। ये आ रही है, इसी बस को मुझे पकड़ना है। सामने 100 नंबर, ये इससे मैं जाऊंगा हार्बर फ्रंट। टिकट हार्बर फ्रंट ओके नो प्रॉब्लम ओके। ये मैंने टिकट लिए हैं, ये $4 मतलब $4.20 मुझे देना पड़ा। यहीं पर मेरा होटल है जहाँ मैं रह रहा हूँ, पर मैं आज कल तक मैं इस होटल में रहूँगा। और कल मैं लिटिल इंडिया के पास एक और होटल बुक कर रहा हूँ, तो वो मैं ऑलरेडी बुक करा चुका हूँ। ये टिकट है यहाँ पे बस का, आप देख लीजिए। इसे मैं हार्बर फ्रंट जा रहा हूँ जहाँ सेंटोशा है। मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखानी है आपको आज। मैं जहाँ घूमने जाऊँगा जितना जितना पॉसिबल होगा मैं दिखाऊँगा। मैं आपको रोड दिखाता हूँ यहाँ का, सिंगापुर का कैसा होता है। मैं इसके लिए थोड़ा सामने खड़ा होता हूँ जाकर। ये बस है, दिस इज़ अ बस स्टैंड। यदि आपको यहाँ पर बस पकड़नी है तो आपको आगे से चढ़ना होता है, पीछे से उतरना होता है। और हमारे इंडिया में उल्टा है, पीछे से चढ़ो आगे उतरो। अब आपको बिल्डिंगें दिखाता हूँ। ये देखिए सारी बस स्टैंड है। यहाँ पर यदि हमें इंग्लिश नहीं आती तो बहुत प्रॉब्लम होगी, पर मेरा काम चल जा रहा है। से मैं जा रहा हूँ सेंटोशा। सेंटोशा में मैं सी लाइफ एक्वेरियम में जाऊँगा। मेरे ख्याल से दो तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे जो भी मैं देखूँगा। उसके लिए टोटल मुझे मेरे ख्याल से 8,000 रुपये पे करना पड़ेगा। रात को मैं एक लाइट शो होता है, वो भी आपको दिखाऊँगा। यहाँ यदि आपको बस में आना, तो यहाँ लोग जैसे मेट्रो में कार्ड रखते हैं वैसे यहाँ पे कार्ड ले ले परचेज कर लेते हैं। मैं टैक्सी ज़्यादा यूज़ करना चाहता हूँ, कोई नहीं पैसे खर्चों में, पर मज़ा भी आता है। यहाँ जो टैक्सी है इंडिया में, जो हमारी BMW है, देखिए ब्लू कलर की टैक्सी जा रही है, हमारी इंडिया के मर्सिडीज गाड़ी होती है उसकी तरह है। मैंने रात को टैक्सी बुक किया, 3 किलोमीटर के लिए मुझसे लगभग 700 रुपये लिए, इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ मैं। यहाँ तो डॉलर ही लेते हैं। 50,000 रुपये का डॉलर लेके आया था और मैं क्रेडिट कार्ड भी लेके आया हूँ, तो जब तक कैश रहेगा कैश यूज करूँगा मैं, देन लास्ट में क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँगा। ये टैक्सी है, ये देखिए सामने जो आपको कार दिखा रही है ब्लू कलर, ये टैक्सी है।
ही अच्छी बिल्डिंग है। ये टैक्सी है सामने, ये भी टैक्सी है जो जा रही है येलो कलर की, मैं आपको दिखाता हूँ पास से। तिल्ली भी नज़र नहीं आएगी, एकदम नीट एंड क्लीन। और यहाँ पर बारिश होती रहती है, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, मतलब अक्सर बारिश हो जाती है यहाँ पर। यहाँ इसके लिए अम्ब्रेला ले जाना ज़रूरी होता है। देखिए सामने आपको अम्ब्रेला लोगों ने लिया हुआ, सबके हाथ में है सामने एकदम, जो लोग जा रहे हो जेंट्स जितने जा रहे हैं, हमने नहीं लिया। यहाँ पर गाड़ियाँ रोड पर काफ़ी कम दिखती हैं, क्योंकि इसका रीज़न है, मैं जब यहाँ पर आया तो 3 महीने पहले से मुझे पता था कि यहाँ जाना है मुझे। 3 महीने से मैंने इनके बारे में रिसर्च किया। यहाँ पे जो आप देखिए को रेड लाइट कोई क्रॉस नहीं करता है, आप एक लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पे एक भी एक्सीडेंट नहीं होता होगा मुझे लग रहा है 1 साल में, एक भी नहीं। यहाँ ये समझ जाइए आप, ऐसे से भी कुछ हैं कि 25,000 रुपये भी आपको चालान देना पड़ता है, और देना ही पड़ेगा आपको। आप यहाँ पे देखो कोई भी खाते हुए नज़र नहीं आएगा, आप एक भी अभी तक नहीं देखते कोई ना। आप नॉर्मली ये नहीं कि आप रोड पे कहीं भी खाओगे, कोई दुकान नज़र नहीं आएगी ऐसे, किसी के हाथ में बर्गर कुछ भी नहीं देखोगे आप, आइसक्रीम कुछ नहीं देखोगे, चालान होता है। इसीलिए आपको खाना है तो रेस्टोरेंट में बैठकर खाओ, अपने होटल में खाओ। और वो चाहते हैं कि आप टैक्सी यूज करो, बस यूज करो, ट्रेन यूज करो, आप मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, ये तो मुझे वहीं पता था। रात को तो मैं डेली टैक्सी ही यूज करूँगा, वैसे मोस्टली मैं ज़्यादातर टैक्सी यूज करूँगा। पैसे अब इसमें जी, बस में मुझे लगभग एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ तो मुझे 200-250 एक बंदे का लगेगा, या हो सकता है हम 2 लोग हैं तो मेरे ख्याल से 1 मिनट मैंने $4 दिए हैं तो कितना हो गया, 200 से ऊपर, यानी मान के लिए हम 2 लोगों का 250 रुपये का 225 रुपये लगा। इंडिया में हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कितना रुपये लगता है, 20-25 रुपये, यहाँ 250 रुपये लग रहा है। ये एशिया का सबसे महंगा कंट्री है सिंगापुर। अब यहाँ एक भी बस ऐरी गरी नहीं देखेगा, सारी बसें 5 स्टार होती हैं, एसी वाली होती हैं, विदाउट एसी एक भी बस आपको नहीं मिलेगी यहाँ पर। यदि मैं टैक्सी से जाता जहाँ जा रहा हूँ तो मुझे 600 रुपये देना पड़ता है, 600-700 रुपये का मिनिमम। तो मैंने अपने देखा है तो 350 रुपये बचाए हैं टैक्सी से नहीं जाकर, पर मैं आज कम से कम मान के चलिए कि मैं भी 3-4 बार टैक्सी पकड़ूँगा, यानी मुझे टैक्सी में कितना खर्चा आ जाएगा लगभग 2000 से 2400 रुपये, क्योंकि एक बार तो मैंने बस पकड़ लिया, एक बार और पकड़ लूँगा, मतलब कम से कम मुझे 6 बार कहीं ना कहीं जाना है इधर उधर, तो 4 बार टैक्सी और मैं भी 2 बार बस पकड़ लूँगा। इन देशों की यात्रा पर आया हूँ। वैसे मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ, पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी।